नमस्कार, एफटी लाइव में इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है, जहां कोहट लोहरा ग्राम सभा में रोजगार सेवक की काली कमाई के आगे ग्राम सभा त्रस्त, जनता आत्महत्या करने पर मजबूर। 15 वर्ष पहले झोपड़ी में रहने वाला रोजगार सेवक संजय कुमार कोहट लोहरा ग्राम सभा का बना करोड़पति। ग्राम सभा के गरीब जनता के साथ रोजगार सेवक व पूर्व प्रधान की मिली भगत से मनरेगा की करोड़ों रुपए की रकम हजम। मेजर ब्लॉक के अंतर्गत कोहट लोहरा ग्राम सभा के रोजगार सेवक के पास नोट छापने की मशीन है कि ग्राम सभा की जमीन पर करोड़ों रुपए का महल है। कोहट लोहरा गांव की महिलाओं ने मुख्य विकास अधिकारी शिपू गिरी प्रयागराज से मांग की है कि रोजगार सेवक की जांच करवाई जाए, आखिर करोड़ों की संपत्ति आई कहां से। कोहट लोहरा ग्राम सभा में अधूरा आवास व शौचालय तथा पैसे न देने पर गरीबों को किया गया अपात्र। मनरेगा के तहत अवैध मजदूरी की रकम डाली जा रही खाते में, हिस्सा देकर लेता है रोजगार सेवक संजय कुमार ग्राम सभा कोहट लोहरा का पूरा मामला। प्राप्त जानकारी के अनुसार रोजगार सेवक संजय कुमार ने कहा कि पत्रकार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मीडिया वाले जब कोहट लोहरा ग्राम सभा में पहुंचे तो समस्या की लाइन लग गई और लोगों ने बताया कि कभी भी गांव में नहीं आए मुख्य विकास अधिकारी शिपू गिरी प्रयागराज। वहाँ के ग्रामीणों ने जाँच की मांग की है। परिचय बताइए। हमारा नाम अंजना सिंह है, हमारे पति का नाम तिलक राज सिंह। तो आपकी समस्या क्या है? समस्या ये है कि हमारा मतलब 20 साल हमारी शादी हुई हुई, हम वोट देने के पात्र हैं और सरकार की संपत्ति से हमको नहीं, मतलब हम अपात्र हैं। यहाँ पे शिवलखन प्रधान यही ग्राम सेवक हमारे घर के वीडियो बनाया और फिर वो बोला कि आवास मिलेगा, वो आवास पारसनाथ काट दिए। क्या आपके नाम से आवास था? जी, उसके बाद फिर पारसनाथ गए, हमारे दरवाजे पर खड़े हुए यही ग्राम सेवक संजय ग्राम सेवक, 500 रुपया लिया, फिर भी वो आवास चला गया। अगस्त तक नेट पर बता रहा था, अब गायब हो गया लिस्ट तक। तो क्या हम लोग यही करेंगे? तो प्रधान के पास आप नहीं गई? प्रधान के पास गए थे, सब कुछ कहे, हम बोले कि हम नहीं काटे हैं, हम डाले हैं, आएगा आएगा। तुम अपने नेकपाल और एसडीएम से नहीं सूचित की? नेकपाल से बोले तो बोला कि अगला प्रधान आएगा तो भरेगा तो देगा। तो हम लोग कितने बार मतलब अगला प्रधान राजा लाल भरे, शिवलखन भरे, पारसनाथ भरे, शिखा सिंह भरे, लेकिन हम लोग यही करेंगे। आप अपनी परिचय बताइए। अंजना सिंह, गांव कोहट, तहसील मेजा, जिला इलाहाबाद। जैसा कि भारत सरकार कह रही है कि सबका साथ सबका विकास, तो सबके लिए आवास लाइटिंग की व्यवस्था दे रही प्रशासन, तो आपको क्या मिला? अभी कुछ नहीं मिला, लाइटिन मिला है ना आवास। इतने वर्षों से नहीं मिला है? कभी नहीं मिला, वर्षों की बात। अपनी शिकायत कभी उच्च अधिकारियों से कहा कि हमको भी आवास? उच्च अधिकारी हम यहाँ देहात में कौन सुनेगा, हम लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। तो प्रधान से आपने कभी तो कहा अवगत? हाँ, प्रधान से तो कई बार कहा, इतने प्रधान आए और गए, सबसे बोला। फिर क्या कहते हैं प्रधान? कर देंगे पर करते नहीं, बात तो ये। खाली वोट लेने के लिए आते हैं बस? खाली वोट लेने के लिए आते? खाली वोट लेने के लिए। उसके बाद कभी दुख दर्द देखने नहीं आते? कभी नहीं। क्या नाम है आपका? चंद्रबाब प्रसाद मिश्र। तहसील मेजा। गांव कौन सा है? कोहट। कोहट। यहाँ से मेजा तहसील कितनी किलोमीटर दूरी पे है? 38 किलो है। आपकी क्या समस्या है? समस्या ये है साहब की कॉलोनी ना है मिलत साहब, आज 5 साल से पंचवर्षीय हो गया, 10 साल आपके नाम में नाम आवत है साहब, कट कर जाता है। किस कारण से करता है? अभी तो साहब प्रधान जौन साहब करत। आप इसके प्रति ब्लॉक में कभी गए? नहीं साहब। तो ब्लॉक में जाकर एक एप्लीकेशन दीजिए वीडियो को, तब तो जानकारी होगी किस वजह से आवाज कट रहा है। यहाँ मौके पर अधिकारी आए थे जांचने के? यहाँ नहीं, नहीं, अरे इतना एप्लीकेशन पड़ गया, वीडियो वहीं से आपका नाम क्या है? यहाँ तो क्या जाएगा? पिताजी का नाम? इंद्रलाल। इंद्रलाल। हाँ। गांव कौन सा है? कोहट। ब्लॉक क्या पड़ता है? मेजा। तहसील? इलाहाबाद। तहसील मेजा। ठीक, चाहते हैं नरेंद्र मोदी और योगी से आपकी क्या सिफारिश हो सकती है? सिफारिश है कि नरेंद्र मोदी योगी ने सबको कॉलोनी आवास दिया, शौचालय दिया। जैसे बोल रहे थे सबका साथ सबका विकास, तो क्या सबका साथ नहीं दे रहे हैं योगी जी? नहीं दे रहे हैं तो हम वो तो दे रहे हैं, यहाँ तो यहाँ लूटे खा रहे हैं ना। अच्छा, यहाँ तो दलाल लूटे खा रहे हैं, तो भाई उनकी क्या? एक बार अपनी परिचय फिर से बता दीजिए। मैं रामदीन चमार हूँ जी, ग्राम सभा कोहट, तहसील मेजा, प्रयागराज जी। यहाँ का मैं निवासी हूँ। थाना खीरी जी। और
न मुझे शौचालय आज एक 20 वर्ष से नहीं मिल रहा है, न कॉलोनी मिली। राशन पाते हैं? राशन पाते हैं, हमारा अंत्योदय कार्ड भी है। है हम लोगों के, चलिए देखिए 3 बीघा जमीन है, घर चल के देख लीजिए। किसका घर? हमारा अंजना सिंह का। चलिए देखिए कितना हम लोगों का हैसियत है, जिसको 5 बीघा है, 6 बीघा है, जेसीबी है, ट्रैक्टर है, सब चीज है, उसको कॉलोनी दिया जा रहा है, दोबारा तिबारा दिया जा रहा है। हाँ, जो इस घर का निवासी नहीं है क्षेत्र का, उसको भी कॉलोनी दिया जा रहा है। हाँ, कोई जांच नहीं हो रहा, हम लोग दरखास्त देते हैं, कोई सुनाई नहीं हो रहा है। 6 कॉलोनी भी गई है। हाँ? एक कॉलोनी के बीच 6 बेर की 6 ठेर कॉलोनी पाए, अपने घर में दिया है, अपने बुश के सामने मौजूद है, 6,000 नौकरी करने वाला है। तो ग्राम सेवक के पास कोई सरकारी नौकरी आमदनी बाहर से है क्या? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं है। आप प्रधान तो खड़ा है हमारे गांव में, बता दे पारसनाथ सरकारी बोला प्रधान है, वही दो चार कमरा घर नहीं चल, दो चार कमरा घर नहीं है, दूधर घर नहीं, नहीं नहीं चाहिए। आप ग्राम प्रधान हैं जी, इनका औरत घर के गांव में बहुत समस्याएं जो हैं। हाँ, जो कि अभी देख रहे हैं करीब 80% हम आत्महत्या कर रहे हैं, कह रहा कि मेजा इलाहाबाद तक दौड़त का एक योजना न मिले चाहे, अगर न दे आप लोग हमका कौनो घर रह के तो हम आत्महत्या कर रहे, जान जात के चमा रहन मगर भतीज खातिर हम जान गमाई दे। संजय सचू ग्राम सेवक ऐसे कह रहा बा कि तो ओका देत है हमका 15 साल पंचवर्षीय पर कुछ ना देत बा, अकात बा देत है, कहाँ जात पा हमार घर का, हमार घर खड़हर बसा है, हमका कुछ मिलत ना है, हमारे पास घर द्वार कहाँ बा, हम घर है राम दे, आत्महत्या कह दे तो जानी दे कि जानी दे कौट हो रहा मैं तो रहिया भौजी नहीं बा मर गई बा, हमारा लड़का भी लाला हुई है, जानी दे हम अपन जान गमाई दे बही गांव खातिर, ऐसे कि हम जात के चमारी नहीं आए हैं, कुछ नहीं कह पाई तो हमारा लाभ कुछ हुआ ही नहीं साहब, ऐसे हमारा नाम सविता बा, गांव कौहट बा, ऐसे है कि हमारे पास गरीब आदमी, हमारा लड़का जी साहब, हमारा लड़का परेशान रहे सी डेंट पर, हम मांगे ग्रामों से 500 रुपया हमका नहीं देख रहा, गांव के भतीजा ग्राम सेवक आज हमका खातिर कहा तो मेजा इलाहाबाद जाते सोचत हूँ, यही चाहत बा तो कही हम खाए के जार माऊ साहब मर जा चाहे हमका घर मिले चाहे ना मिले, सो के मरई में हमार अब जाए मट्टी। आप अपनी परिचय बताइए। अनुराग तिवारी। आपकी समस्या क्या है? समस्या सर यह है हमारी कि हमारे गांव बहुत अवैध काम हो रहा है जी, सड़क के लिए पैसा आता है जी, तो कागज पर सड़क बांधी जाती है जी, और हकीकत में सड़क नहीं दिखाई पड़ती, यहां तक कि इंटरलॉकिंग कागज पर सड़क बन चुकी है और यहां देखने में मिलता है कि कहीं भी इंटरलॉकिंग का एक ईंटा भी नहीं दिख रहा है सड़क पर, और अवैध लोगों का फर्जी जॉब कार्ड बना दिया गया है जो कभी काम पर जाते ही नहीं, और ग्राम सेवक पैसा निकाल करके उनसे 2600 रुपया 3000 जो भी लगता है लगा करके 500 रुपया ले जो उसका पैसा लगाता है 500 रुपया दे करके उनको बाकी पैसा हजम कर जाता है। मैं चाहता हूँ कि हमारे आप अपना नाम बता दीजिए। अनुराग तिवारी। रोजगार सेवक का नाम क्या है? रोजगार सेवक संजय प्रसाद है। ये कितने दिन से रोजगार सेवक है? 20 साल। अरे लगभग हो गया 15-20 साल। 20 साल का हो रहा है जी। आप लोग कहीं शिकायत इनकी नहीं किए? शिकायत एसडीएम के पास की है, वीडियो के पास की है, कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तक कर चुके हैं, गरीबों की जन सुनवाई के तहत डाल दिए, डीएम साहब के पास भी दिए, सीडीओ के पास भी दिए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। डीएम जी वहाँ पर बैठे बैठे वहीं से आख्या लगा दिए हैं कि यहाँ पर सब राजनीतिक काम हो रहा है, जो कि यहाँ पर 20 साल से एकदम धांधली गर्दी चल रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। डीएम एसडीएम मेजा हमारा तहसील मेजा लगता है, डीएम एसडीएम के यहाँ दे के आए हैं, 2 महीने से हम लोग दौड़ रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, और मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी डाला गया, प्रधानमंत्री को भी डाला गया, जो कि हमारे पास सब रिसीविंग है, 2 महीने से हम लोग दौड़ रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं हम लोग का। माइक लगाओ, आरएसी लगाओ, ये बताइए यहाँ पे जो है ये तहसील आपकी कितनी दूरी पे है? तो गए थे उसने शौचालय अभी तक नहीं बनाया, हम अपने कार्यकाल की बात करें, पिछला नहीं जानते, ये बताइए पिछले में बना है उसका पैसा पास हो गया, मगर आज प्रधान है तो आप उस पर एक्शन लिए? हम लेंगे ना, अभी हम ले हाल हाल हमारा है, लिए 3-4 महीना हो गया, हमें 7 महीने प्रधान ही हो गया। हाँ। मगर आप उस पर एक्शन लिए, कभी एप्लीकेशन दिए कहीं?
हम अप्लीकेशन देंगे, हम बराबर काम करवा रहे हैं, ठीक है ना। लीजिए 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 लीजिए। तो जब 7 महीना हो गया आप कहीं अप्लीकेशन नहीं दिए, तो आप जांच कहाँ से करवा रहे हैं ये बताइए। नहीं नहीं, अभी तो हम हाल में आए। मान लीजिए हाल क्या होता है, हाल में 2 महीना 3 महीना होता है, 7 महीने आज बीतने जा। जी अपना नाम बताइए। केदारनाथ। केदारनाथ कौन? ऋषि। ऐसा बोलिए शुद्ध नाम। गांव कौन सा है? कौहट। आपकी समस्या क्या है? घर की जगह 4 लड़का हैं, तो दूजने दूजने मेरा है। इधर देखिए, दूजने मेरा है और दूजने अलग बने। अब हमें एक जने है, हम इन्हें जाने तो आपकी समस्या क्या है? एक जने दो जने तो लड़का हो रहे हैं, 4-6। अब सड़क हमारी इंटरलॉक भई जा, नाली भई जा, हुआ घर भर। ऐसा आप मौके पर देखा नहर से, जहाँ तक भाई नहर से चंद्रमा मिश्रा के घर तक भाई। हाँ, अब एक देख लो। चला अपना नाम बता दीजिए। केदारनाथ मिश्र। ठीक। गांव कौहर। ठीक। नाम बताइए दादाजी। रामलाल हाईवे। आपकी क्या समस्या है? समस्या यह है, अन्नी पन्नी लगाई कहा ना है, मड़ई मड़ई छाई की का करी। मड़ई क्या कर रह रहे हैं? क्या आपके घर द्वार नहीं है? घर यह बनाए था, यह साल एठे उधर ही उधर गया। हाँ। आपको आवास या शौचालय कुछ मिला है? कुछ ना ही मिला हुआ। शौचालय आवास कुछ चीज नहीं, सरकारी लाभ कोई नहीं पाते आप? ना ही मिला हुआ। और राशन पाते हैं? हाँ तो मिला था। आप अपना परिचय एक बार बताइए। हाँ, अपना नाम बताइए। रामलाल। कौन बिरादर हो? हरजन। गांव कौन है? कौहट। ठीक। यूएफटी लाइव के लिए रामबाबू पटेल के साथ सुशील कुमार की रिपोर्ट।